दोस्तों आज है 27 नवंबर और 27 नवंबर के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर के सवाल बनेंगे हम यहाँ पे उसको डिस्कस करने वाले हैं। अब पहला सवाल देख लीजिए यहाँ पे, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत में 5G की बात हो रही है, 5G कब तक लॉन्च हो जाएगा? देखिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये 2022 तक हमारे देश में 5G लॉन्च हो जाएगा। अब ये घोषणा किसने किया है भाई? तो ये किया है एरिक्सन ने। ये एरिक्सन की तरफ से आपको 25 नवंबर को घोषणा किया गया था कि भारत में 5G 2022 तक लॉन्च हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि हर महीने लगभग 24 GB डाटा की खपत होगी, ये भी रिपोर्ट आई है सामने। और 2025 तक लगभग 11% जो यूजर होंगे इंडिया में वो 5G के होंगे, ये भी रिपोर्ट में सामने आई है। और 5G की अगर बात की जाए दोस्तों, तो अमेरिका में, जापान में, चाइना में ये ऑलरेडी वहाँ पे नेटवर्क है, और इंडिया में ये 2022 तक आ जाएगा। जो भी यहाँ पे टेलीकॉम कंपनी है, जियो, एयरटेल, वोडा, वो सब धीरे धीरे ये लॉन्च करेंगी। तो अभी तो फिलहाल दोस्तों टेलीकॉम कंपनियों को 4G पे काम करना चाहिए, क्योंकि 4G नेटवर्क ही काफ़ी वीक है, तो इस पर काम करें और फिर बाद में 5G भी आपका 2022 तक आ ही जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल तक। अगला दोस्तों यहाँ पे सवाल है कि हाल ही में भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन नंबर जारी की है? अब ये क्या है दोस्तों, अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है किसी काम के बदले या आपसे घूस ले रहा है, ठीक, तो आप अगर आंध्र प्रदेश में रहते हैं तो आप 14400 पे कॉल करके इसकी शिकायत अब कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश सरकार की पहल है कि अब से वहाँ पर घूस वगैरह लेते हुए या कोई भी भ्रष्टाचार करते हुए अगर आपके साथ कुछ कर रहा है कोई, तो आप इस नंबर पे कॉल करके वहाँ पे शिकायत कर सकते हैं। और ये अभी में जो आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान CM है दोस्तों, वो है जगन मोहन रेड्डी, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो एक बहुत अच्छी पहल है आंध्र प्रदेश के राज्य सरकार द्वारा, हर स्टेट को अपनाना चाहिए। और यहाँ पर देखिए हरियाणा है, तो हरियाणा के जो CM है अभी वो है मनोहर लाल खट्टर। और गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में विजय रूपानी अभी फिलहाल CM है, बिहार में नीतीश कुमार है। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब अगला सवाल है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आपने डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम सुना होगा, वही जो श्वेत क्रांति के जन्मदाता हैं। श्वेत क्रांति के जन्मदाता किसको कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ऑपरेशन फ्लड का जन्मदाता किसको कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको दोस्तों, देखिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म हुआ था 26 नवंबर 1921 को भारत में। दोस्तों इन्होंने क्रांति ला दिया था, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में। अमेरिका को दोस्तों पीछे छोड़ दिया था इंडिया, अमेरिका पहले आगे था, बाद में इनके आइडिया के बदौलत भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक एक तरह से देश उभर के सामने आ गया है। तो इनका जन्म हुआ था 26 नवंबर 1921 को। तो जो ये 26 नवंबर है दोस्तों, ये इनके जन्मदिन के बतौर ये दुग्ध दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और इन्होंने ही सबसे पहले दोस्तों इंडिया में दुग्ध क्रांति लाई थी। ये दोस्तों अमेरिका से पढ़ के जब इंडिया आए थे, तो ये गुजरात में एक डेयरी फार्म में छोटा सा था, वहाँ पे इंजीनियरिंग किए थे, तो वहाँ पे काम करते थे। तो वहाँ से इनको आइडिया आया कि इंडिया जो है बहुत बड़ा मार्केट है दूध को लेकर, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे दूध के प्रति इंटरेस्टेड रहते हैं, दूध पीने खाने के जो भी उसके प्रोडक्ट होते हैं। तो उन्होंने एक आधारशिला रखी और यहाँ पर काम किया भारत में, और एक बहुत बड़ा व्यापार उस समय सबसे पहले अमूल था दोस्तों, अमूल आज अरबों डॉलर का कंपनी बन गया है। तो उसकी जो भी स्थापना हुई थी इन्हीं की देखरेख में हुई थी। तो ये दोस्तों जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं, इनके जन्म के मौके पर 26 नवंबर 1921 को जन्म हुआ था, तो 26 नवंबर को ये दुग्ध दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही दोस्तों श्वेत क्रांति इंडिया में लाई थी सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों ये तो समझ गए आप कि क्यों मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि डॉक्टर वर्गीज कुरियन का ये जन्म हुआ था 26 नवंबर 1921 को, और ये हैं भारत के श्वेत क्रांति के जनक, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे कि हाल ही में जारी किए गए एक लिस्ट के अनुसार, ठीक है, एक लिस्ट जारी किया गया है जिसके अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर, वहाँ पे दोस्तों अगर आप दुकान भी खोलते हैं तो आपको काफ़ी मोटी रकम चुकानी पड़ती है, तो दोस्तों वो है जगह हांगकांग। ये दुनिया का सबसे महंगा बाज़ार ये इस लिस्ट के अनुसार यहाँ पे सामने आया है, और ये हांगकांग में दोस्तों काजवे वे ये रसेल स्ट्रीट में पड़ता है। तो ये दुनिया का सबसे महंगा बाज़ार है, ठीक है। और ये किसने लिस्ट जारी की है? तो ये लिस्ट जारी की है मेन स्ट्रीट अक्रॉस द वर्ल्ड, इनके लिस्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा बाज़ार हांगकांग का बाज़ार है, काजवे वे। और अगर बात की जाए दोस्तों भारत में कि भारत में कौन बाज़ार सबसे महंगा बाज़ार है, तो दोस्तों वो है दिल्ली में स्थित खान मार्केट। वहाँ पे पर स्क्वायर फीट आपको $2000 तक आपको पे करने पड़ सकते हैं,
ठीक है, ये 20वां स्थान इसका है पूरी दुनिया में, क्योंकि भारत में पहला स्थान ये आ रहा है और ये सबसे महंगा रिटेल मार्केट है। तो चलिए ये तो क्लियर हो गया आपका कि हांगकांग दुनिया का सबसे महंगा बाजार है और भारत में दिल्ली का खान मार्केट। अब अगला सवाल चलिए देख लेते हैं। अब अगला सवाल दोस्तों है कि हाल ही में किस राज्य को भारत के मानचित्र में, भारत का जो मैप है उसमें शामिल कर लिया गया है। तो दोस्तों पहले क्या था कि भारत के नक्शे में अमरावती नहीं शो करता था, तो अभी जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, वो दोस्तों हमारे भारत के नक्शे में शो कर रहा है, दिख रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, अमरावती है, और तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, हैदराबाद है। दोनों दोस्तों बट गए थे एक्चुअली आपको 2 जून 2014 को ये दो अलग अलग राज्य बन गए। आंध्र प्रदेश पहले था एक, तो उसमें से कट गया तेलंगाना और उसका राजधानी तेलंगाना के बन गया हैदराबाद। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी भी हैदराबाद थी और तेलंगाना के भी थी, लेकिन अब दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गई है, ठीक है, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गई है। तो तेलंगाना जब बटा दोस्तों तो भारत में 29 राज्य हो गए। तेलंगाना बन गया भारत का 29वां राज्य, ठीक है, बटने के बाद 2 जून 2014 को बटने के बाद भारत का 29वां राज्य कौन बन गया, तेलंगाना, 28वां था झारखंड। तो ये कहा जाता है कि भारत में 29 राज्य हैं, लेकिन देखिए अभी इसको ध्यान में रखिएगा कि भारत में अब 28 राज्य हैं। जब भारत में 29वां राज्य बना था तेलंगाना, तो फिर 28 कैसे हुए? तो अभी फिलहाल आपने देखा होगा कि जब धारा 370 हटाया गया तो पहले 7 केंद्रशासित यूनियन टेरेटरी थे केंद्रशासित प्रदेश से, तो अब क्या किया गया कि उसमें लद्दाख और कश्मीर इन दोनों को जोड़ दिया गया, तो एक स्टेट तो कम हो गया और वहाँ पे बढ़ गया 2 केंद्रशासित प्रदेश। तो अब क्या हुआ कि 9 केंद्रशासित प्रदेश हैं हमारे देश में और 28 राज्य हैं, ठीक है। पहले कश्मीर को भी माना जाता था, तो वो बन गया केंद्रशासित प्रदेश। तो बन गया तो क्या हुआ, 9 केंद्रशासित हो गए, 28 हो गया राज्य। तो चलिए इसको तो आप समझ गए होंगे। अभी देखिए आंध्र प्रदेश की, अभी अगर पूछ दिया आपसे कि आंध्र प्रदेश के अभी CM कौन है, तो अभी अभी मैंने बताया था आपको कि आंध्र प्रदेश के जो CM है YS जगमोहन रेड्डी हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, जगमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। झारखंड के तो रघुवर दास हैं, और यहाँ पे उड़ीसा की बात की जाए तो दोस्तों ये नवीन पटनायक हैं, ठीक है। और जो तेलंगाना है दोस्तों, जिसकी राजधानी हैदराबाद है, उसकी अगर कोई उसके CM के बारे में बात करे तो आप बता दीजिएगा CM चंद्रशेखर राव हैं। कहाँ के? तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश के CM हो गए आपको जगमोहन रेड्डी, झारखंड के हो गए रघुवर दास, और उड़ीसा के हो गए नवीन पटनायक। तो चलिए इसको अब ख़त्म करते हैं और अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल यहाँ पे कि हाल ही में प्रहरी नामक ड्रोन किस IIT द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है, प्रहरी ड्रोन का नाम है। तो ये दोस्तों तैयार किया गया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि IIT कानपुर के द्वारा, और ये दोस्तों बहुत ही काफ़ी सुविधाजनक है, हमारे सैनिकों के लिए काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें 10 से 15 kg का वजन रख करके और इसको मतलब आकाश में उड़ा करके और कहीं से कहीं भी जगह पर पहुँचाया जा सकता है। तो इससे क्या होता है कि आसानी होती है, क्योंकि हर चीज़ को आप हेलीकॉप्टर से करके आप नहीं ले जा सकते हैं। मान लीजिए छोटी दूरी है और आपको कुछ सामान पहुंचाना है, तो इसमें 10 से 15 kg का सामान आसानी से इसमें रख करके, और ये ड्रोन है, इसको एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाया जा सकता है। और क्या होता है, हेलीकॉप्टर में दोस्तों काफ़ी तेल वगैरह का भी खर्चा होता है, लेकिन ड्रोन सस्ते में निपट जाता है। तो ये IIT कानपुर के द्वारा ये बनाया गया है ड्रोन, जिसका नाम है प्रहरी, और ये दुर्गम स्थान जो है, जो मान लीजिए बहुत काफ़ी विरल स्थान है, खतरनाक जगह है, वहाँ पे भी दोस्तों ये 10 से 15 kg लेकर के जा सकता है, और ये पेट्रोलिंग भी कर सकता है दोस्तों, अपना जो भी संवेदनशील इलाका है वहाँ पे उड़ान भर करके, और वहाँ पे लगभग 2 से 3 घंटे उड़ान भर के वहाँ पे नज़र रख सकता है जो जगह है वहाँ पे। तो ये तो क्लियर हो गया। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करना दोस्तों मत भूलिएगा।